हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रतिभा और मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला बहुत ही कुरकुरा डोसा, जिसे आप सुबह के नाश्ते में झटपट बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए ना हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे, ना मैदा का इस्तेमाल करेंगे और ना ही दाल चावल भिगोने की झंझट है। तो चलिए हम आज ये नए तरीके का डोसा बनाते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। एक बड़े बाउल में मैंने 1 कप जवार का आटा लिया हुआ है। इसमें हम 1/2 कप चावल का आटा डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, 1/4 टीस्पून के जितना अजवाइन फ्लेवर के लिए, थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, तो 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और स्वादानुसार हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और यहाँ पर हमने लहसुन और हरी मिर्च का कूट के डाला हुआ है, या आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डाल के हम इसका अच्छा लम्प्स फ्री बैटर तैयार करेंगे। तो इस डोसे का जो बैटर होता है वो बहुत ही पतला रखना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा ठीक है, तो इसमें हम लगभग 1/2 ग्लास पानी और डाल देंगे और इसका पतला बैटर तैयार कर लेंगे। ऊपर से हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे, जिससे कि ये और भी टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, तो 1/2 नींबू का रस मैंने इसमें डाला हुआ है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए, एक विस्कर की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ है और इतना पतला हमें इसका बैटर रखना है। तो अब हम इसे कवर करके छोड़ देंगे, 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप चाहें तो इसे तुरंत भी बना सकते हैं। ये देखिए, 10 मिनट हो गए हैं, मैंने तवा गरम होने के लिए रखा है। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को पूरे तवे में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, तवे को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया हुआ है। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, पहले हाई रखेंगे फिर मीडियम कर देंगे। अब हमने ये जो पतला बैटर तैयार किया है उसे डाल देंगे। पहले हम बैटर किनारे में डालेंगे, क्योंकि बीच में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो पहले किनारे में फिल करेंगे और इसके बाद बीच में डालेंगे। और ये देखना ना फ्रेंड्स, ये जो डोसा होता है ये इतना आसान है कि इसे कोई भी बना सकता है। वैसे नॉर्मल डोसे में ये होता है कि हमें फैलाना नहीं आता, बट इसे सिर्फ आपको बैटर को पूरे तवे में अच्छे से डालना है। ये देखिए, मैंने तवे में अच्छे से डाल दिया हुआ है। अब हम जब ये ऊपर से थोड़ा सा सूख जाएगा तो ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे, जिससे ये और भी टेस्टी लगेगा। आप चाहें तो इसे बिना तेल के भी बना सकते हैं। ये देखिए, डोसे को कम से कम हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, और जब ये ऊपर से पका हुआ एकदम रेड रेड सा डार्क कलर दिखने लगेगा, तवा बड़ा है इसलिए हम थोड़ा सा इसे किनारे भी घुमा घुमा के अच्छे से कॉर्नर में भी पका लेंगे। और ये देखिए, ऊपर से आप देख सकते हैं कि ये दिख रहा है कि ये पक गया है। तो अब हम इसे इस तरीके से डोसे के उसमें शेप में दे देंगे। आप चाहें तो इसे दूसरी साइड भी सेक सकते हैं, बट ये इतना पतला है कि एक साइड में ही बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। और ये हमारा झटपट बनने वाला जवार डोसा, इंस्टेंट डोसा बन के तैयार है। बहुत ही कुरकुरा है और बहुत टेस्टी लगता है। आप इसके बीच में आलू की स्टफिंग रख के मसाला डोसा भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस डोसे की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी है, आपको बहुत पसंद आएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।